आरजेसी न्यूज़ हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। रायबरेली में चौहान गुट के सैकड़ों व्यापारियों ने डनमाऊ कोतवाली क्षेत्र के मुराईबाग निवासी सुशील यादव, जो कि पत्रकार के साथ एक दुकानदार भी है, जिन पर बीते दिनों 20 दिसंबर को आधा दर्जन से अधिक अपराधियों ने फायरिंग करते हुए लाठी सरिया व रॉडों से जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने मामले में 307 का मुकदमा तो दर्ज किया था, लेकिन इस धारा में अभियुक्त ने संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी जमानत करा ली, जिससे व्यापारियों ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया। वहीं व्यापारियों का कहना है कि आरोपियों को अभी भी गिरफ्तार कर जेल क्यों नहीं भेजा गया। इसी को लेकर आज आक्रोशित भारी संख्या में व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया और पुलिस को खरी खोटी भी सुनाई। चौहान गुट के व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही व्यापारी पर हमला करने वाले गिरफ्तार नहीं हुए तो 7 फरवरी को हजारों की संख्या में व्यापारी विधानसभा का घेराव करेंगे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष जेसी चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार में अपराधी बेखौफ है और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद है। तभी तो पकड़े गए आरोपी को भी पुलिस कस्टडी से भगा दिया गया। उन्होंने कहा, लगातार व्यापारियों की दुकानों को चोर निशाना बना रहे हैं और निकुश पुलिस अभी तक एक भी खुलासा नहीं कर पाई है, जिसकी संगठन घोर निंदा करता है। तो आपने एडिशनल एसपी साहब को भी कहा कि आपको आदेश दिया कि वो डनमऊ वाले मामले में आप उस पर कार्रवाई करें सर, उनको जेल भेजें। आज भी वो घूम रहे हैं, बताइए, धमकी दे रहे हैं हमारा व्यापार। सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल चौहान गुट प्रदेश अध्यक्ष। कहाँ पर आए हैं, क्या मामला है? ये हम एसपी ऑफिस में आए हैं, एसपी महोदय से मिलेंगे, क्योंकि दो बार हम मिल चुके हैं, अब की तिबारा मिलने आए हुए हैं। और आज हम आर पार की लड़ाई है, जब तक हमको कुछ फुल आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग जाएंगे नहीं। क्या मांगे हैं को लेकर आए? हमारी मांगे ये है कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, उसका हाथ पैर तोड़ दिया, जान से मारने की मतलब धमकी भी दी जा रही है बार बार, वो बेचारे घर से बाहर घूम रहे हैं और 307 मुकदमा जैसे में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, जेलों में बैठ रहे हैं, थानों में जा रहे हैं, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। एक महीना पूरा बीत गया, हमारा व्यापारी आज कितना उत्पीड़न किया जा रहा है, इसको कतई व्यापार मंडल हमारा बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर नहीं होता है तो मैं 7 फरवरी को विधानसभा चालू हो, 7 फरवरी को कई हजार व्यापारी हमारे उत्तर प्रदेश लखनऊ में विधानसभा घेरने का काम करेंगे। और व्यापारी चुपचाप बैठेगा नहीं, व्यापारियों का उत्पीड़न, व्यापारियों की शोषण को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आप मांगे ना पूरी, उसके आगे आप क्या करेंगे? इसके आगे 7 फरवरी को हम विधानसभा का घेराव करेंगे और हम लोग वहाँ बैठेंगे, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग हटेंगे नहीं वहाँ से, और कई हज़ार कई जिले से व्यापारी हमारे वहाँ इकट्ठा होंगे।